बद्रीनाथ से गंगोत्री कितनी बार गया? 8 बार। अच्छा, गंगोत्री से बद्रीनाथ वापस आए 2 बार, दूसरा स्थल। अच्छा, उसी रास्ते 10 बार। अच्छा, और कौन कौन से ट्रैक आपने किए? बहुत सारा किया है। स्वामी जी, ये जो आपने ट्रैक करा गंगोत्री और क्वारी पास जो करा है, कालिंदी का, ये आपने अकेले करा है? अकेले किया। तो और लोगों को भी लेके गया? नहीं, आप जब अकेले गए तो राशन रसद का कैसे होता था, क्या जड़ी बूटी क्या होता था? जड़ी बूटी कुछ नहीं थी, जवान था, ब्रह्मचारी थे, पत्थर के नीचे रहता था, बूट नहीं था। ये जो बाटा का शू है ना जी, ऐसे बूट पहन के गया, कम्बल उड़ के गया जी। और खाने का क्या रहता था, क्योंकि ये एक दिन का तो रहा नहीं होगा, कई दिनों का रहता होगा? 7 दिन का। 7 दिन का, तो 7 दिन भोजन कैसे होता था? क्या अपना पीठ पर लेके गया? कितना राशन ले जाते थे 7 दिन, कुछ अंदाजा? 1 किलो चावल मैं 1 महीना चलाया। ओ माय गॉड, 1 किलो चावल 1 महीना? हाँ, और बना के पी जाता था। अच्छा, एक मुट्ठी चावल सूप बना करके पी जाता था। स्वामी जी, जहाँ पर बर्फीला इलाका आता था वहाँ पर आग की व्यवस्था, लकड़ी कहाँ पीठ पे लाते थे? लकड़ी ले जाता था, नीचे जो लकड़ी मिलते थे जी, वो लकड़ी मुझे मालूम था कहाँ कहाँ चट्टानों के सहारे रहना, वहाँ लकड़ी आपको मिल जाती है? आपको मिलाएंगे के पास चले, नीचे से ले गए। शुभ दीपावली का मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, ये दीपावली का संदेश है। ईश्वर आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी कामना और प्रार्थना है। धन्यवाद।